Hello everyone. So today in my video, it is a short video जिसमें मैं आपको सेल्फ लव के बारे में बताऊंगी। हमने ये टर्म तो बहुत जगह सुना होगा सेल्फ लव, बट जनरली हमें इसका डीप मीनिंग नहीं पता होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बहुत से लोग सेल्फिशनेस को सेल्फ लव से कंपेयर करते हैं, या मतलब सेल्फ लव को गलत समझते हैं कि अरे ये इंसान तो सेल्फिश है। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड इन सेल्फ लव। सो मेरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि सेल्फ लव क्या होता है, आप खुद को पहचानते हो आप क्या हो, आपको बखूबी पता होता है आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, ठीक है, और आप जैसे हो वैसे आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। आप भगवान की एक देन हो, एक बच्चा हो, गलत कैसे हो सकता है उनका निर्माण है। तो फिर भगवान तो सर्वस्व है, तो फिर जब हम उनके बनाए हुए बच्चे हैं तो हमें अगर कमियां हैं भी तो हमें अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम ऐसे हैं, ठीक है, और अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो और अपने आप की खूबियों पे खुश हो। खुद को कभी शाबाशी दी है, नहीं दी है तो देना स्टार्ट करो, को शाबाशी दो कि आपने लाइफ में ये चीज अचीव की है या आपने ये एक छोटा सा भी काम किया है। अगर आप अपने मान लीजिए कुछ सामान भी खुद के लिए लेके आते हो तो खुद के लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं होती है, तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी दो। अगर आपने एक टाइम का खाना भी बनाया है तो आप खुद को शाबाशी दो। अगर आपने खुद के लिए सिंगिंग डांसिंग जिसमें भी आपका शौक है, पेंटिंग ये सब किया है और आप मतलब अपना मन कहीं रमा पा रहे हो तो आप खुद को शाबाशी दो, खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे आप हो। और अगर आपके अंदर कमियां हैं, आपको लगती भी हैं, तो जहां से भी आपको नॉलेज कहीं से भी कुछ भी मिलती है अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, अपनी कमियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो चीज के लिए आप हमेशा आगे बढ़ते रहो कि हाँ देखो कि इस चीज को मैं मतलब खुद का सोचने का तौर तरीका एकदम विस्तार होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। मतलब आपको संकुचित सोच से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लिमिटेड कर देते हो अपने आप को। आपको लिमिटेड नहीं होना है, आपको लिमिटलेस होना है लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। हमेशा इस सोच से दूर रहिए कि मैं ही सही हूँ और बाकी दुनिया के लोग गलत हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको दुनिया से कहीं से भी कुछ भी सोच किसी और की पता चल रही है और हाँ वो आप प्रोग्रेसिव सोच है, आपके व्यक्तित्व को निखार सकती है, उसके व्यक्तित्व को निखार रही है, तो उससे ग्रास्प करो, उससे उसकी भी ओपिनियन मायने रखते हैं। तो अब मैं, ये था सेल्फ लव के बारे में। सेल्फिशनेस क्या होता है? सेल्फिशनेस ये होता है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, दूसरे को नीचा दिखाने में या कम दिखाने में आगे रहता है, वो इंसान सेल्फिश होता है। बट सेल्फ लव में क्या होता है, इंसान खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसा वो है और अपनी उसको पता होता है मेरे अंदर क्या खामियां क्या खूबियां हैं, कभी भी किसी दूसरे इंसान से खुद को कंपेयर नहीं करता, दूसरे इंसान को नीचा नहीं दिखाता है। हमेशा एक सेल्फ लव में जो बंदा या बंदी जो भी इंसान होता है वो अपने आप को ऊपर उठाने में हमेशा आगे रहते हैं, अपनी सोच का दायरा बढ़ाने में हमेशा बिजी रहते हैं। उनको दूसरे से इंसान से कोई मतलब ही नहीं होता है कि कौन दूसरा इंसान क्या लाइफ में कर रहा है। अगर आप खुद में खुश हो तो वो इंसान सेल्फ लव में डील करता है, ठीक है। हम कंपेयर करने लगते हैं सेल्फ लव को सेल्फिशनेस में। अगर हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, निकालना चाहिए खुद के लिए समय। बस खुद को किसी से कंपेयर मत करो और अपने आप को किसी से कमतर या किसी से ज्यादा मत समझो,
आप जो हो जिस लेवल पे हो, आप मतलब देखना ही नहीं है कि कोई हमसे नीचे क्यों है, कोई हमसे ऊपर क्यों है, बस अपने में रहना है, अपने को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं वो रहना है, और हम खुद को शाबाशी देनी है, खुद को अच्छा समझना है। बहुत लोगों से हम बहुत बेहतर हैं, तो हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। ये सेल्फिशनेस वाले जो पीपल होते हैं ना, नीचा दिखाने वाला काम वो करते हैं, सेल्फ लव वाले नहीं करते। सेल्फ लव वाले बस अपने आप को ऊपर प्रोग्रेसिव सोच के साथ और अपने आप को अपग्रेड करने में बिजी रहते हैं। सेल्फ लव वाले लोग खुद में सेटिस्फाइड रहते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीते हैं लाइफ में, और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। बल्कि जो लोग सेल्फिश होते हैं वो दूसरे का बुरा चाहते हैं और खुद की लाइफ को दूसरे से कंपेयर करके देखते हैं, और फिर मतलब अपने में सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलता है और सारा समय उनका दूसरे को गलत ठहराने में ही निकल जाता है। तो ये था मेरा आज का सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर बातचीत। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा आज का विचार का सेगमेंट एक वीडियो फॉर्म में, ये आज मैं पहली बार लेके आई हूँ, अच्छा लगा है, यूनिक लगा है, इसको लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, ताकि आपको ऐसी ही और मेरी सारी जितनी भी व्लॉग्स वीडियोज़ ये सब हैं इनके नोटिफिकेशन मिल सकें। बाय बाय।